आपने हमेशा ही निष्पक्ष होकर हर फैसला लिया। अचानक अचानक इस बार पक्षपात क्यों कर गया? अरे सत्तो की बहू, मेहंदी लगा के शगुन तो शुरू करो। जी लवली, दायां हाथ आगे बढ़ाओ। जल्दी करो ना, फिर मारे को भी मेहंदी लगा दो। बस इतनी बात का ख्याल रखना कि मारो हाथ का डिजाइन सब के हाथ के डिजाइन से अलग हो। ओए होए आरती भाभी, थोड़ा सब्र रखो, जब तोड़ा नंबर आएगा तो हाथ में मेहंदी भी लग जाएगी, है जी? ओए होए लवली, कार्तिक का नाम कहाँ लिखवाना है बता दे। हाँ हाँ, मेहंदी का रंग खूब गाढ़ा चढ़ना चाहिए, नहीं तो कार्तिक के प्यार में सवाल खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, कार्तिक की लॉयल्टी पर तो डाउट कर ही नहीं सकते। क्यों? कार्तिक देखो ना, मेरी मेहंदी का रंग कितना फीका है। लेकिन अब तुम ये मत कहना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, क्योंकि मैं तो आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं जितना कि उस दिन मैंने तुम्हें प्रपोज किया था। निमी बहू, इसे मेहंदी लगाने के बाद कार्तिक को भी शगुन कर देना। खम्मंगनी, बहुत बहुत मुबारक हो, आखिर आपको आपकी पसंद की बहू मिल ही गई। आइए बैठिए। अरे ये सब हंसी मजाक तो होता रहेगा, अब गाना वगैरह तो शुरू करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं होगा। ओए रिया जाना, ओए रिया सोचा। नमस्ते, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं आज यहाँ संगीत का मुकाबला होने वाला है। मैं हूँ रिया और मैं लड़के वालों के साइड से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और ये है, मैं हूँ तानी। आप सब लोग तो जानते हैं कि आज हमारी प्यारी लवली और कार्तिक की मेहंदी और संगीत का फंक्शन है, और इस दिन को यादगार बनाने के लिए हमें ही कुछ करना होगा। तो मैं चाहती हूँ कि इस फंक्शन में दोनों परिवार के लोगों को बराबर हिस्सा लेना होगा, ठीक है? कोई बहाना नहीं चलेगा। लेकिन जीतेंगे तो लड़के वाले ही। हम ही जीतेंगे। हाँ हाँ, देख लेंगे देख लेंगे। तू हमारी छोड़, तू पहले कार्यक्रम शुरू कर, हम तो तैयार है। भाई वाह, अम्मा सा के जोश को देख के ना मुझे ही बहुत जोश आ रहा है। एक काम कर, तो शुरुआत मैं ही कर लेती हूँ। कम ऑन फ्रेंड्स, आ जाओ। मिलने वाली
गहना अब तो शुरू कर जाओ ना। नहीं नहीं अम्मा साहब, हम नहीं करेंगे, सब लोगों के सामने हमें शर्म आती है। ओहो अम्मा साहब, आपकी तरफ से ना मामला बड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है। एक काम करते हैं, ये प्रोग्राम हम लड़की वाले ही कर देते हैं पूरा, है ना? ओए तानिया, ओए रुक। लो चली मैं, लो चली मैं अपनी देवर की बारात लेके, लो चली मैं, लो चली मैं अपनी देवर की बारात लेके, लो चली मैं। ना बैंड बाजा ना ही बाराती, खुशियों की सौगात लेके, लो चली मैं। बारी है। हाँ हाँ। लेकिन अम्मा साहब, ये इतने बच्चों के बीच में मैं क्या करूंगा? अरे कर ना, पहले तो बड़ा उतावला हो रहा था। बाबूजी ऐसे थोड़ी आज चलो। चल चल चल। ठीक है अम्मा साहब, आप कहती हैं तो हम रंग जमाई देते हैं, लेकिन हमें किसी का साथ चाहिए। मेरी जोहर जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। ऐ मेरी जोहर जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। ये शौखियाँ ये बाँकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शौखियाँ ये बाँकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहाँ, मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहाँ। ऐ मेरी जोहर जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। अब तो अम्मा साहब आपको नाचना पड़ेगा ये। अरे तो हमने कौन सा मना किया है, बड़ा खास गाड़ा सोच के रखा है, ले अभी ले। जी ने ले ली मेरी जान।
अरे कोई हमें भी तो पूछो, लड़के के भाई कब से इंतजार कर रहे हैं। हम भी तो देखे दूल्हे वाले हमसे मुकाबला कर भी सकते हैं या नहीं। अजी ये लड़की वाले ना कुछ ज्यादा इतरा रहे हैं। और चलो भाइयों हमें अपना कमाल दिखाते हैं, चलो भाइयों। अब बजा ताली। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अरे गहना बेटा तू मेरा कहना तो मान ले, अपना घूमर तो सुना दे। अरे उसमें अपने माटी की खुशबू है, चल सुना। भाभी जाओ ना, आप तो कितना अच्छा घूमर गाती हो। ठीक है अम्मा सर। इस बार न जाने आपसे गलती हो ही गई। पहले लवली और कार्तिक का ब्याह बिना किसी को बताए और उसके बाद ये सच अम्मा सा से छुपाया, ये भी तो एक तरह का झूठ बोलना ही हुआ ना, जिससे आपको सख्त नफरत। इससे पहले कि ये कड़वा सच उन्हें कहीं और से पता चले, हम आशा करते हैं ये सच अब खुद ब खुद अम्मा सा को बता दीजिए। सत्तू की बहू, तू मुंह फुलाए क्यों खड़ी है, बोलना क्या बात है। कुछ नहीं अम्मा सा। अरे बोलना।
अम्मा सा आइए आप हमारी बात सुनिए। अम्मा सा हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। अरे बोल ना, मैं तो रात भर थारे पेट में दर्द होएगो। अम्मा सा कार्तिक और लवली की शादी हो चुकी है। हाय राम, झेके कह रही है काकी साहब। लवली और कार्तिक का ब्याह हो चुका है पहले भी। आपकी बेटी की शादी पहले भी हो चुकी है कार्तिक के साथ। सच तो थारी बिन्नी जो बोल रही हो सब सच है। बोलना चुप क्यों है? अम्मा साहब, आपकी बहू जो कहना चाह रही है वो शायद आप ठीक से समझ नहीं पा रही है। ये शायद कहना चाहती है कि दोनों में इतना ज्यादा प्यार है कि दोनों मन से एक हो चुके हैं, तो फिर इसे ब्याह से कम कैसे समझा जाए? और फिर ये जो शादी होने जा रही है ये बस इस रिश्ते पे लगाई जा रही एक मुहर है। हाँ 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 मसा। अब आइए ना आगे की रस्में शुरू करते। हाँ चलिए आगे, दूल्हे को भी तो मेहंदी लगानी है। आइए मसा, आइए। चलो चलो आइए। निमी दूल्हे को मेहंदी लगा। हाँ चलो 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 जी चलो 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 आइए ना अम्मा साहब। अगर आज हम अम्मा साहब को सब साफ साफ बता देते तो हमारे मन का बोझ हल्का हो जाता। आपके मन से तो बोझ हल्का हो जाएगा लेकिन दुनिया हम सब पे उंगलियां उठाएगी। हम जानते हैं लेकिन अपनी सासू मां से झूठ बोलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं समझ सकती हूं, घर की महत्वपूर्ण महिला से कोई बात छिपाना आसान तो नहीं है, लेकिन आप ही समझने की कोशिश कीजिए। हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए विवाह होना बहुत जरूरी है, और फिर एक ही दिन की तो बात है, शादी होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या आप हमारे लिए इतना कष्ट नहीं उठाएंगी? अब तो हम समझी हैं, समझ लीजिए एक ही परिवार के हैं।
चाहे कोई कुछ भी कहे भाभी, अम्मा सा को शक तो हो गया है। वो कहना भाभी, हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनका शक यकीन में ना बदल जाए। हम आपसे आशा करते हैं कि आप इस बारे में कुछ नहीं कहेंगी। हम सबको देखते हैं। पता नहीं लवली इन्हें कैसे झेलेगी। निमी भाभी, मेरे पैर में ना झनझनाहट सी हो रही है, मैं थोड़ा टहल लूं यहाँ पे। क्या कार्तिक जीजू, आप अपने भाइयों के साथ ही बैठे रहोगे या अपनी सालियों को भी थोड़ा वक्त दोगे? चलिए चलिए, जाओ जी, जाओ जाओ। हाँ, हम लेके जाते। एक्सक्यूज मी, चलो अब तुम दोनों बातें करो, मैं चलती हूँ। और हाँ, जल्दी आ जाना ऊपर। लवली, इस तरह सबके बीच में से यहाँ पर आना ठीक नहीं है। कार्तिक, किसी को पता नहीं चलेगा कि हम लोग वहाँ पे नहीं है। अरे कैसे पता नहीं चलेगा, आफ्टर ऑल हम लोग दूल्हा दुल्हन हैं, लोग हमें वहाँ ढूंढेंगे। कार्तिक प्लीज, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो।